खबर सगड़ी आजमगढ़ से है, जहां तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जैनपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी के समर्थकों में उतरे हुए पूर्व विधायक गुड्डू जमाली समर्थकों के साथ कस्बा में भ्रमण किया, जगह जगह नुक्कड़ सभा कर बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। गुरुवार की शाम 5 बजे बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी के समर्थन में पूर्व विधायक गुड्डू जमाली बसपा कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ मुबारकपुर तिराहा से कस्बा का भ्रमण किया। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। इस दौरान जीएनपुर कस्बा के नौसहरा कुरेश नगर आजाद नगर समता नगर का पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने बसपा प्रत्याशी निहाल मेहंदी के समर्थन में पैदल भ्रमण कर लोगों से चुनाव जिताने की अपील की। वहीं जगह जगह नुक्कड़ सभा कर लोगों को बसपा प्रत्याशी को समर्थन के लिए प्रेरित किया। वहीं दर्जनों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जीसान मेहंदी विधानसभा अध्यक्ष बिमल प्रकाश आनंद और स्वरूप जनार्दन रामभक्ष रमेश अनिल आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, उन्होंने जनता से वोट की अपील किया हमारे लिए और उन्होंने ये कहा कि ये हर नगरवासी को 5 साल में एक अधिकार मिलता है अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनने का, इसलिए वो आ जाए। नगर का भ्रमण किया और मुझे बहुत खुशी है कि एक अपार जन समर्थन आज हमारे उनके स्वागत के लिए था। हर वर्ग के लोग, हर वार्ड के लोग 2 घंटा 1.5 घंटा पैदल चलकर उनका स्वागत किया और बहुत बहुत मोहब्बतों से नवाजा। क्या लगता है कि अपार समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल, ये तो आप खुद देख सकते हैं कि ये भाड़े की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये सब नगरवासी हैं, सब वोटर हैं, हर वार्ड के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं। और ये आज इन्हें क्या गरज है कि आज ये 4 बजे से अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े थे और 4 से आज ये 7 बज रहा है, 3 घंटे से ये हमारे पीछे चल रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये एक बदलाव की एक लहर है। जनता समझ चुकी है कि हमें किसे चुनना है और कैसा शासन जनता चाहती है, नगरवासी चाहते हैं, उसी की ये उत्सुकता है और वो दिन दूर नहीं कि जनता के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल, हम चुनाव बेहतरीन वोटों से चुनाव जीतेंगे। जनता का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हम चुनाव लीड कर रहे हैं। सही है, मेरा फरिया गांव से ताल्लुक है और मैं पूर्व प्रधान फरिया और रानीसराय ब्लॉक का प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और बहुजन समाज पार्टी से मेरा ताल्लुक 1994 से है और बहन मायावती जी के कायदे कानून पे विश्वास रखते हुए आज भी मैं बहन जी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए हमारे ये नौजवान हैं, हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के निहाल मेहंदी साहब नौ युवक हैं, अल्लाह ने इनको जज्बा दिया है लोगों की खिदमत करने का। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर मेहंदी निहाल साहब को जिता कर अपनी जीत कायम करें। मैं समझता हूँ कि सौर समाज के ये इंसान है, हर समाज इसको मानता है, तो इसलिए मैं खासकर सौर समाज से अपील करना चाहता हूं कि निहाल भाई को भारी मतों से जिताकर आप अपना मुखिया बनाने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह ये चौकीदारी करेंगे आप लोगों की। अच्छा, क्या लगता है अगर चेयरमैन बन जाएगा तो फिर बदलेगी? मैं, मुझको तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि एक नौजवान जब उसके खून में जो हरारत होती है तो नौजवान ही का खून है, इसलिए इनको एक है जज्बा है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, जो आज तक चेयरमैन नहीं कर पाए वो मैं कर दिखाऊंगा। जनता से क्या अपील करूंगा? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने अगर इनको सम्मान देकर भेजा है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, खासकर मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप इनको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम करेंगे और अपना चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। और एक बात और कह रहा हूं कि एक हमारे बड़े खास मित्र थे, दोस्त थे, गुलाम मेहंदी साहब, वो यादव समाज को कोई कैंडिडेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, कहाँ आप घूम रहे हैं? आज पूरे प्रदेश का मुसलमान 87% वोट देकर अखिलेश और मुलायम सिंह को बाप बेटों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर ये मुसलमान ना होता तो ये बाप बेटे चपरासी भी नहीं बन पाते। मैं कहना चाहता हूँ गुलाम मोहम्मद से कि आप कहाँ भटक रहे हैं, आए हाँ अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगाकर वोट देने का काम करें और दिलवाने का काम करें, इसी में आपका सम्मान रहेगा।